हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच पे। फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा जीके का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, हरियाणा के जिलों के उपनाम। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है, पेरिस कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है। तो देखिए, उस चीज़ का रट्टा तो हम मार लेते हैं कि हरियाणा का पेरिस जी इसे कहा जाता है, लेकिन फिर भी हमें उसका मीनिंग नहीं पता होता कि कहा क्यों जाता है। इसीलिए हमें वो चीज़ याद नहीं रहती और हम एग्ज़ाम में क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उसी कन्फ्यूज़न को हम दूर करेंगे और 100% श्योरिटी वाली बात है कि हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। हर एग्ज़ाम में आप प्रीवियस ईयर के पेपर चेक कर सकते हो, HSSC के, आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करेंगे। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, हम समझ के करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो इसका सबसे पहले। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिएगा हम शुरू करेंगे। सबसे पहला है हमारा वैज्ञानिक नगरी। तो वैज्ञानिक नगरी किसे कहा जाता है, अंबाला को। वैज्ञानिक नगरी किसे कहा जाता है, अंबाला को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वैज्ञानिक उपकरण जो है वो बनाए जाते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक नगरी किसे कहा जाता है, अंबाला को। किसे कहा जाता है, अंबाला को। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी या मेडी सिटी। क्या है, मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी या मेडी सिटी, ये तीनों अलग अलग नाम है एक ही जिले के, गुरुग्राम के। देखिए मिलेनियम सिटी, मिलेनियम क्या होता है, बिल्डिंगों का हब। बिल्डिंगों का हब क्या होता है, मिलेनियम होता है। तो बिल्डिंगों का हब होने की वजह से, गुरुग्राम में बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, उनका हब होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है, मिलेनियम। उसके बाद में साइबर सिटी क्यों बोला जाता है, IT सेक्टर बहुत ज्यादा है गुरुग्राम में, कंपनीज वगैरह बहुत है, इसीलिए साइबर सिटी किसको बोलते हैं, गुरुग्राम को बोलते हैं। और मेडी सिटी भी, मेडी सिटी भी किसे बोलते हैं, मेडी सिटी, देखिए मेडिकल सिटी, मेडी सिटी का मतलब है मेडिकल सिटी, मेडी सिटी मेदांता हॉस्पिटल है, तो मेडिकल बहुत ज़्यादा गुरुग्राम में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मेडी सिटी। तो आप इसको याद रखेंगे कि मिलने के लिए साईं बाबा से, मिलने के लिए साईं बाबा से, साईं बाबा मतलब साइबर, मिलने के लिए साईं बाबा से मेडी सिटी गए। मेडी सिटी कहाँ पे है, गुरुग्राम में। तो गुरु एक, साईं बाबा भी क्या थे, गुरु थे। तो मिलने के लिए यानी मिलेनियम सिटी, साईं बाबा से यानी साइबर सिटी, मेडी सिटी यानी मेडिकल गए गुरुग्राम में। क्लियर है, तो आपको ये चीज आपको यहां से याद रह जाएगी बहुत आसानी से। उसके बाद में पेपर सिटी यमुनानगर। पेपर सिटी कहाँ, किसे बोला जाता है, यमुनानगर में, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा बनते हैं यहाँ पे यमुनानगर में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पेपर सिटी बोलते हैं। और अब यहाँ पे इसको पेपर सिटी कहा जाता है, याद कैसे रखोगे कि यमुना के किनारे हमने क्या दिया, पेपर दिया। यमुना के किनारे हमने क्या दिया, पेपर दिया, मतलब यमुना नगर को क्या बोला जाता है, पेपर सिटी कहा जाता है। यमुना के किनारे पेपर दिया, पेपर सिटी यमुना नगर। उसके बाद में धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, ये तो आप सबको याद होगा कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, धर्म नगरी कहा जाता है। क्लियर है, उसके बाद में आता है कॉटन सिटी। कॉटन सिटी की बात में करें तो इसको पलवल को बोलते हैं। कॉटन सिटी की बात करें तो किसे बोलते हैं, पलवल को बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा वीवर सिटी, वीवर क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, बुनकरों की नगरी तो हमें पता है, बुनकरों का शहर तो पता है, पानीपत को बोलते हैं लेकिन वीवर सिटी आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन देखिए वीवर, वीवर जो मैंने लिखा है, वीवर, वीवर की बात करें तो वीवर का मतलब बुनकर होता है, क्या होता है, बुनकर। तो बुनकरों का शहर पानीपत को बोलते हैं, तो वीवर भी किसको बोलेंगे, पानीपत को बोलेंगे। क्लियर है, वीवर सिटी पूछा जाए तो भी आंसर क्या आएगा, पानीपत आएगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीदों की नगरी झज्जर। शहीदों की नगरी झज्जर है, शहीदों की नगरी झज्जर। उसके बाद में इस्पात नगरी पूछा जाए, हिसार, जिंदल स्टील्स कॉरपोरेशन कहाँ पे है, हिसार में है, तो इस्पात नगरी किसे बोला जाता है, हिसार। उसके बाद में नेक्स्ट है पित्तल नगरी। तो पित्तल नगरी बोला जाता है रेवाड़ी को, यानी पित्तल जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है रेवाड़ी में। तो आप याद रख सकते हो पित्तल की रेवड़ी मिलती है कहाँ पे, रेवाड़ी में। पित्तल की रेवड़ी कहाँ मिलती है, रेवाड़ी में। तो पित्तल नगरी किसे कहा जाता है, रेवाड़ी को। क्लियर है, उसके बाद में आता है औद्योगिक नगरी, जहाँ उद्योग धंधे क्या है, ज्यादा है। तो औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, फरीदाबाद को। तो फरीद बाबा के नाम पर पड़ा है फरीदाबाद का नाम। तो फरीद बाबा ने उद्योग करने सिखाए,
फरीद बाबा ने क्या सिखाया, उद्योग करने सिखाए। तो औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, फरीदाबाद को। होप सो आपको इतना ध्यान रहेगा। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पे, करण नगरी। तो करण नगरी है करनाल, ये आप ध्यान रखोगे, करण झील के नाम से ही करनाल का नाम पड़ा है, ठीक है। तो करण नगरी की बात करें तो करण नगरी किसे कहते हैं, करनाल को। नेक्स्ट है संतों की नगरी सिरसा। बहुत ज्यादा संत हुए हैं सिरसा से, तो इसीलिए संतों की नगरी किसे कहते हैं, सिरसा को कहते हैं। स से संत, स से सिरसा, क्लियर। वन नगरी सिरसा, तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वन नगरी सिरसा को कैसे कहा जाता है, हालांकि वन जो अक्षेत्र है वो ज्यादा पंचकुला में पाया जाता है। वन सबसे ज्यादा घनत्व के अकॉर्डिंग देखे, क्षेत्रफल के हिसाब से देखे तो पंचकुला में ज्यादा है, लेकिन हम वैसे बात करें तो वन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सिरसा में। कैसे कहेंगे हम कि पंचकुला का क्षेत्रफल कम है लेकिन वहां फिर भी वन ज्यादा है, इसीलिए वहां पे बोला जाता है सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला पंचकुला। अदरवाइज वैसे वनों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सिरसा में, इसीलिए वन नगरी किसे कहा जाता है, सिरसा को। उसके बाद में जो सबसे बड़ी दिक्कत छोटी काशी की, कि छोटी काशी भिवानी को भी बोलते हैं, छोटी काशी कैथल को भी बोलते हैं। तो देखिए, जो छोटी काशी भिवानी को कहा जाता है वो मंदिरों के कारण कहा जाता है। आपसे पूछा जाए मंदिरों के कारण छोटी काशी किसे कहा जाता है, तो आएगा भिवानी, क्योंकि भिवानी में मंदिर सबसे ज्यादा है। उसके बाद में छोटी काशी एक शहर को और भी कहा जाता है जिसका नाम क्या है, कैथल। कि छोटी काशी कैथल को बोलते हैं, कैथल को क्यों कहते हैं, नवग्रह कुंडों के कारण। आपसे पूछा जाए नवग्रह कुंड कहाँ पाए जाते हैं, तो नवग्रह कुंड कैथल में पाए जाते हैं, इसीलिए कैथल को क्या बोलते हैं, छोटी काशी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, क्लियर है। उसके बाद अब ये कंफ्यूजन दूर, छोटी काशी भिवानी मंदिरों के कारण, छोटी काशी कैथल नवग्रह कुंडों के कारण, क्लियर है। बीरबल नगरी सॉरी फ्रेंड्स, बीरबल नगरी नारनौल को, बीरबल नगरी किसे कहा जाता है, नारनौल को कहा जाता है। और बीरबल का छत्ता भी कहां पे है, नारनौल में। आपसे पूछा जाए बीरबल नगरी नारनौल, बीरबल का संबंध नारनौल से था इसीलिए यहाँ पे बीरबल का छत्ता भी बना हुआ है। तो बीरबल नगरी पूछी जाए तो नारनौल, और बीरबल का छत्ता भी कहाँ पे है, नारनौल में। देखिए, मैंने ऐसे कुछ ना कुछ पॉइंट उठाए हैं जिससे भी कि आपको बात याद रहे। अगर आप बीरबल का छत्ता याद रख लोगे नारनौल में है, तो आपको ये भी याद रह जाएगा कि बीरबल नगरी किसे कहा जाता है, नारनौल को कहा जाता है। उसके बाद में गुलाबी नगरी, तो गुलाबी नगरी कौन है, फतेहाबाद। गुलाबी नगरी फतेहाबाद को इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं उन पे सभी पे पेंट कैसा किया हुआ है, गुलाबी किया हुआ है, इसीलिए इसे गुलाबी नगरी का नाम दिया गया। और भारत की गुलाबी नगरी किसे कहते हैं, जयपुर को। भारत की गुलाबी नगरी पूछा जाए तो जयपुर को कहते हैं, और वैसे गुलाबी नगरी हरियाणा की क्या है, फतेहाबाद। उसके बाद महाभारत कालीन स्वर्ण प्रस्थ नगरी, तो देखिए महाभारत का नाम सुनते ही हम कुरुक्षेत्र में आ जाते हैं। धर्म नगरी कहा जाता है कुरुक्षेत्र को, लेकिन महाभारत कालीन स्वर्ण प्रस्थ नगरी पूछा जाए तो सोनीपत आएगा। महाभारत कालीन स्वर्ण प्रस्थ नगरी पूछा जाए तो किसे कहेंगे, सोनीपत को, कंफ्यूज मत होइएगा। हरियाणा का हृदय जींद, हरियाणा का हृदय जींद को कई जगह आपको रोहतक मिलेगा, लेकिन रोहतक बिल्कुल गलत है। हरियाणा का हृदय जींद को ही कहा जाता है, आप याद रख सकते हो। हरियाणा के जींद जिले के लोग जिंदा दिल हैं। जिंदा दिल मतलब याद करवाने के लिए बोला है, दिल की मतलब आएगी तो हृदय। हरियाणा का हृदय किसे बोलते हैं, जींद को। धान का कटोरा करनाल, तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है, करनाल को कहा जाता है, क्लियर है। ये सबको पता होगा, सिंपल सी बात है, धान का कटोरा किसे कहते हैं, करनाल को। उसके बाद में हरियाणा का पेरिस, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया, हरियाणा का पेरिस। तो धान का कटोरा भी करनाल को और हरियाणा का पेरिस भी करनाल को। पेरिस एक बहुत सुंदर शहर है, इसीलिए हरियाणा में जो सबसे सुंदर शहर माना जाता है वो करनाल माना जाता है, इसीलिए हरियाणा का पेरिस किसे कहते हैं, करनाल को, क्लियर है। मिनी क्यूबा भिवानी, तो क्यूबा को बॉक्सिंग क्लब कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉक्सिंग क्लब। तो क्यूबा में बहुत सारे बॉक्सिंग क्लब है, तो हमारे यहाँ पे ज्यादा बॉक्सर और बॉक्सिंग क्लब कहाँ पे है, भिवानी में है, इसीलिए मिनी क्यूबा का जो नाम दिया गया है वो किसे दिया गया है, भिवानी को। मिनी क्यूबा का नाम किसे दिया गया है, भिवानी को। देखिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, एक दो बार अगर आप वीडियो और देख लोगे तो शायद आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी बातें आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएंगी जैसे मैंने आपको बताई है, और आप पेपर में आसानी से जाके इसको कर सकते हो।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर, लेकिन यहाँ से एक नंबर तो पक्का आएगा, हो सकता है दो नंबर भी आ जाएं आपके एग्जाम में, चाहे आप ग्रुप डी की बात कर लो, चाहे हरियाणा पुलिस, चाहे हरियाणा एसआई। तो कुछ क्वेश्चन जो इजी वाले डालते हैं और इजी वाले होकर भी हम कंफ्यूज होते हैं, वो होते हैं इस लेक्चर वाले क्वेश्चन जैसे हमने किए हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा, आगे हम सिलेबस कर रहे हैं जैसे करते ही रहेंगे, टेंशन नॉट। चलिएगा, ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो